9 साल हो गए परवेज, आप क्या हुआ था, मतलब 9 साल तक आपके पेरेंट्स ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है? मैं जब मतलब इनके घर पे फर्स्ट अम्मा से मिलने गई थी, तो जब थोड़ा सा फिल्मी था, लेकिन मींस जब मैंने पैर ये किया तो उन्होंने पीछे ये किया था और एक ही सवाल किया था कि अगर यहाँ पे एक साथ रहना है तो आपको कन्वर्ट होना होगा. और मैंने बोला था कि वो मैंने माइंड मेकअप पहले से कर लिया था, क्योंकि मैं इस बात को मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ कि जो हमारा समाज है, जो भी ये है, पुरुष प्रधान है. और मैं नहीं चाहती थी कि इनफैक्ट पापा ने भी बोला था कि परवेज अगर वैदिक नियम से, इसका मतलब हिंदुइज्म में परवेज अगर आ जाए तो एक्सेप्ट हो जाएगा. उन्होंने मुझे बोला कि आपको कन्वर्ट होना है. मैं बोला कि मैं कन्वर्ट हो गया, से सपोज मैं कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या, मैं तो यहाँ से चले जाऊंगा. मैं तो यहाँ से चले जाऊंगा. मैं भी नहीं चाहती थी कि, क्योंकि मैं परवेज को फिर रिस्पेक्ट नहीं कर पाती थी. आई डोंट नो, वो मन में. लेकिन आपने ये सैक्रिफाइस किया कल्पना उसके लिए? क्या सैक्रिफाइस किया मैंने? एक्चुअली हो सकता है कि गुवाहाटी इज अ स्मॉल टाउन एंड शायद मैं अगर मेट्रोस में पली बड़ी होती तो आई डोंट नो कुछ अलग भी हो सकता. वो आपसे मिलते हैं, आपके पेरेंट्स मिलते हैं, मतलब ना मिलने जैसा. मैं जैसे किसी के आप घर में घुस जाओ और सब लोग अवॉइड कर रहे हैं. नहीं, पापा के साथ. आपके डैडी आपको, आपके गुरु थे सिंगिंग? जी जी, एक्चुअली वो फोक सिंगर है और उन्होंने मुझे मीन्स संगीत के, मीन्स एक बाप बेटी का रिश्ता तो था ही, साथ में गुरु और शिष्य जैसा भी. वो भी टूट गया है? सब कुछ टूट गया है, ये सब कुछ नहीं रहा. आपको याद तो आती होगी? एकदम आती है. और मैं ज्यादा बोलूंगी तो मैं रो पड़ूंगी. आपके पिताजी को किस बात की नाराजगी थी? जब मैंने बोल दिया कि परवेज कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसके बाद सीधा उन्होंने बोला ठीक है ले जाओ. और उस वो बोल तो दिया, तब हमको लगा था कि शायद ये 2-3 महीना के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आपको कभी रिग्रेट होती है कि आप खुश हैं परवेज के साथ? आपको? मैं परवेज के साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए कि परवेज ने भी मेरे लिए सैक्रिफाइस किया. बस एक बात का मुझे दुख है कि तब मैं वो समझ नहीं पाती थी जब मैं 19 साल की थी 20 साल की थी. आज मुझे इस बात का एहसास होता है कि अपने मम्मी पापा को जितना हो सकता है दुख नहीं देना चाहिए, इस बात का एहसास है. क्या मम्मी डैडी को लगा कि आपकी बहनों की शादी में प्रॉब्लम आएगा या लगा? लगा, लगा उनको लगा. जो एक नॉर्मल अरेंज मैरिज होता है, घर देख के इस ये पॉइंट तो नहीं आ जाएगा कि इनके बड़ी बहन ने ऐसे शादी किया, तो ये मन में अभी भी है मेरे, ये चिंता है मुझे. आप कुछ कहती हो अपनी बहनों से इसके बारे में? कल मैं क्या कहूँ, मतलब मैं क्या मुंह लेके कहूँ उनको. मैं बहुत सोचती हूँ इस बारे में, क्योंकि मुझे गिल्टी फीलिंग होता है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ एक हद तक मैंने गलती किया है. मैंने किसी को, मैं कर्म फल में बहुत विश्वास करती हूँ. गलती नहीं किया, कर्मा के जो कर्म और कर्म फल में विश्वास करती हूँ. मैंने अगर किसी को दुख दिया है, वो घूम के वापस मेरी जिंदगी में आएगा, मुझे ऐसा लगता है. जब किसी की शादी होती है उनको खुश रहना चाहिए, सब लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको खुश. अगर स्पेशली अभी 9 साल गुजर गए बाद इनकी शादी खुश है, लेकिन ये एक बात है जिसकी वजह से ये खुश नहीं है. कल्पना, आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स ये शो देख रहे होंगे. आप कुछ कहना चाहोगी इस शो के, इस एपिसोड के द्वारा? मैं पहले तो माफी मांगूंगी उनसे. मैं माफी मांगना चाहती हूँ इस बात से कि खासकर मम्मी ने मुझे 9 महीना पेट में रखे, फिर बड़े किया, बहुत सारे मम्मी ने भी सैक्रिफाइस किए होंगे. और तब मैं नहीं समझती थी बहुत सारी बात. मैं ये मानती हूँ कि दुख दे के मैंने शादी किया है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि मुझे एक अच्छा हस्बैंड मिला है. उनको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि मैं अगर उनके पसंद से अरेंज मैरिज भी करती है, आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि मैं खुश होती. मैं आज ये बोल सकती हूँ कि मैं खुश हूँ परवेज के साथ. और फिर बार बार मैं बोलते आ रही हूँ, पापा को यही बोलती हूँ कि हमें मुझे माफ़ कर दीजिए आप. और क्या बोलूँ मैं, बस. कल्पना, ऐसा कोई गाना है जो आप अपने पापा के लिए? गाने की हालत में तो मैं नहीं हूँ, बस दो लाइन में गाऊंगी. पापा विदाई का ये होता है आसाम में. नहा के चदरी कैसे सुखाएगी, नहा के चदरी कैसे
सुखाएगी गौरी अंगना की छैया दे जैया हो नहा के चदरी कैसे सुखाएगी गौरी अंगना की छैया दे जैया हो सॉरी मेरा सुन नहीं एक्चुअली हम लोग के यहाँ पे आंसू आ गए थे But I think we can just request that if she's watching the show, then her parents too, that she has really, I think, asked for forgiveness and they should forgive. No, 9 years old. I hope her daddy will believe. Let's hope for the best. Coming back, I think you guys haven't gone on the honeymoon because there were so many problems. But the situation was like that. She didn't get time for that. That was a very, this thing, I mean, it was a far away thing. From our side, we want you a honeymoon package to give you. ये आपके लिए तो आप दोनों इसका फायदा उठाइए और आपको जहां जाना है हनीमून के लिए ये इमरान बेबो और मेरी तरफ से प्लीज थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय बाय